Hare Krishna. So we are continuing with text 33. यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वाराज्यमृच्छति. When you are free from the conception of gross and subtle bodies, and when your senses are free from the influences of the modes of material nature, you will realize your pure form in my association. At that time, you will be situated in pure consciousness. तो हम देखते हैं प्रकृति ये सत्व रज और तम इन तीन गुणों से बनी है और इन तीनों गुणों के अपने अपने प्रभाव या छटाएं वो सभी जीवात्माओं पर या प्राणी मात्रों पर वो छोड़ते हैं. इन छटाओं से या इन लक्षणों से अगर उभरना है तो भगवान कहते हैं मेरी भक्ति ये एकमात्र उपाय है. पर भगवान कहते हैं कि जब इस प्रकार से आप मेरी भक्ति में संलग्न होगे, जब आप स्थूलत्व और सूक्ष्मत्व के ऊपर आओगे तब आप शुद्ध सत्व में प्रवेश करोगे. सो देयर इज सत्व रज और तम, ये तीनों इस भौतिक प्रकृति में है. इसके ऊपर आध्यात्मिक प्रकृति में कौन सा गुण है? शुद्ध सत्व, जिसमें ये सत्व तो है लेकिन ये शुद्ध है. देखिए गुण का अर्थ क्या है, गुण अर्थात रस्सी. संस्कृत में गुण शब्द का एक और अर्थ होता है रस्सी. रस्सी किस चीज के काम आती है? रस्सी बांधने के काम आती है. तो प्रकृति के रज और तमोगुण तो निश्चित रूप से हमें बांधते हैं प्रकृति में, ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन प्रकृति का सत्व गुण भी हमें बांधता है. तो प्रकृति के केवल सत्व गुण में आने से काम हो गया नहीं, सत्व गुण को छोड़ करके भी ऊपर जाना पड़ेगा और उस स्थिति को कहते हैं शुद्ध सत्व. तो शुद्ध सत्व आध्यात्मिक जगत में कौन सा गुण है? शुद्ध सत्व गुण है. और ये शुद्ध सत्व गुण क्या है? जब हम अपने आप को अपने स्थूलत्व और सूक्ष्मत्व, विच मीन्स स्थूलत्व क्या है? स्थूलत्व यानी तीन प्रकार के अधिआत्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक क्लेश, यह है स्थूलत्व. सूक्ष्मत्व क्या है? षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर. तो व्हेन आई ट्रांसेंड ऑल ऑफ दिस ऑन अ फिजिकल लेवल, इट इज अधिआत्मिक, अधिदैविक एंड अधिभौतिक क्लेश. ऑन इंटेलेक्चुअल और ऑन सटल लेवल इट इज द सिक्स अनर्थस. इन तीनों को हम त्याग करके या इन तीनों को लांघ करके जब हम भगवत चेतना में होते हैं तो उसे शुद्ध सत्व अवस्था कहा जाता है, उसे समाधि अवस्था कहा जाता है. तो हम वी अगेन गो बैक टू द 30th वर्स कि तपस्या यानी इस सब को करने के लिए हमें अपने भौतिक प्रलोभनों से ऊपर उठना पड़ेगा, यही तपस्या है. बिना उसके तो हम भौतिक शुद्ध भौतिक सत्व रज और भौतिक रज और तमो के ऊपर नहीं जा सकते. तो यह है तपस्या. तपस्या क्या है? मन कह रहा है, शरीर कह रहा है, अरे प्रकृति के गुण कितने अच्छे हैं, ये नज़ारे कितने अच्छे हैं, स्त्रियां या पुरुष कितने अच्छे हैं, अलग अलग इंद्रिय के अलग अलग उपभोग हैं. तो ये इंद्रिय और उनके उपभोग जो है ये हमें उनकी ओर आकर्षित करते रहते हैं. इन आकर्षणों से ऊपर उठना ये तपस्या है. इन आकर्षणों से ऊपर उठना और क्या करना? शुद्ध सत्व में प्रस्थापित होना, ये समाधि अवस्था है. और ये हम किसके लिए कर रहे हैं? ये हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं. दैट्स हाउ वी कम बैक टू द 30th वर्स. तीनों चीजें, तपस्या, समाधि और भगवान के लिए कार्य. श्लोक क्रमांक 34. नाना कर्म वितानेन प्रजा वह्नी सुसृक्षतः नात्मा वत्सीदत नात
नात्मा वसीदतिस्मिंस्ते वर्षीयान्मत् अनुग्रहः. Since you have desired to increase the population innumerably and expand your varieties of service, you shall never be deprived in this matter because my causeless mercy upon you will always increase for all time. मेरे कहने पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आपने क्या सेवा ली है? सृष्टि के सृजन की सेवा ली है. तो क्योंकि आपने मेरी प्रसन्नता के लिए ये कार्य किया है, इसीलिए मैं आपके ऊपर हमेशा अपना कृपा कटाक्ष बनाए रखूंगा. तो यहाँ हम देखते हैं फिर से क्या कहते हैं, अकर्म का सिद्धांत. अकर्म का सिद्धांत क्या है कि हम जब कर्म करते हैं तो या तो हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं. कर्म यानी जब स्वयं के भोग के लिए कुछ किया जाए. तो कर्म की परिभाषा वेद क्या देते हैं, अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टाः कर्म इति. मैं अपूर्ण हूं, मुझे अपने आप को पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. वो जो चेष्टा है वो कर्म है. मैं अपूर्ण हूं, मुझे भूख लगती है, मुझे खाना खाना पड़ेगा. अब खाना खाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे पैसे कमाने होंगे या फिर खेत में जाके खेती करनी होगी, सब्जियां उगानी होंगी, धान उगाना होगा. वो पकाने के लिए मुझे बर्तन चाहिए, लकड़ी चाहिए, वो तोड़ के लानी होगी. मुझे प्यास लगेगी तो मुझे पानी चाहिए. मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो मुझे रुई चाहिए. तो इतनी सारी चीजों में हम अपूर्ण हैं. हर दो दिन के बाद दाढ़ी आएगी, उसको काटने के लिए भी मुझे रेजर चाहिए. अब रेजर कहां से मिलेगा, कोई तो बनाएगा तभी तो मैं खरीदूंगा. तो अपूर्णस्य, मैं अपने आप में अपूर्ण हूं. निज पूर्तार्थे चेष्टाः, अपने आप को किसी तरह से चलाए रखने के लिए जो चेष्टा है कर्म ही थी, ये कर्म कहलाते हैं. तो जब हम अपने स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए कर्म करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, या तो पाप या पुण्य. ये हमें ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेके जाते हैं. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा. तो जिस प्रकार से कर्म हम करेंगे, अगर पुण्य कर्म करेंगे तो ऊपर जाएंगे, पाप कर्म करेंगे तो नीचे जाएंगे. लेकिन एक प्रकार का कर्म है जो हमें कर्म बंधनों की श्रृंखला से मुक्त करता है. हम कार्य कर रहे हैं लेकिन वो हमें मुक्ति की ओर लेके जा रहा है. वो क्या है, अकर्म. अकर्म अर्थात हम सेवा तो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को किसी चीज में संलग्न कर रहे हैं, लेकिन उसका कर्म फल जनरेट नहीं होता. तो यहां पे हमें बताया गया है कि वो क्या अवस्था है. भगवान कहते हैं कि क्योंकि आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, यू हैव डिजायर टू इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड एक्सपैंड योर वैरायटीज ऑफ सर्विसेस, यू शैल नेवर बी डिप्राइव्ड इन दिस मैटर बिकॉज ऑफ माई कॉजलेस मर्सी विल ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग. तो जितना हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेहनत करते हैं, जितना हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेते हैं, उतना ज्यादा हमें भगवान की कृपा मिलती है. गेटिंग कृष्णा मर्सी इज नेवर एन आर्मचेयर फिलोसफी. मैं बैठा रहूंगा, टीवी देखता रहूंगा, मस्त चेयर पर झूलता रहूंगा, स्मोक भी करूंगा, ड्रिंक भी करूंगा, लड़कियों को घुमाने भी लेके जाऊंगा और भगवान की कृपा मिल जाएगी. ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होता है. तपस्या चाहिए, समाधि अवस्था चाहिए और भगवान के लिए कर्म किए जाने चाहिए. तो कुछ भी करने से मैं भगवान के लिए कृपा प्राप्त करूंगा, ऐसा नहीं होता. कई बार लोग समझते हैं कि भगवान के लिए कितना समय देना है, और सुबह उठने के बाद नहाते हैं, नहाने के बाद 15 मिनट भगवान के लिए, बाकी 23.5 घंटे मेरे लिए. ऐसा होता है क्या? तो 23.5 घंटे हम अपने लिए करेंगे, 15 मिनट भगवान के लिए देंगे, तो आपको क्या लगता है, भगवान खुश हो जाएंगे?
ऐसे हम भगवान के पास जाएंगे, ऐसा नहीं होता। भगवान देखिए, एक अगर बीटेक या बीई या एमबीबीएस की डिग्री लेनी है तो 23 साल लगते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? एबीसीडी से। एक बीटेक या बीई की डिग्री या एमबीबीएस की डिग्री के लिए 23 साल लगते हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितना समय लगेगा? या खाने पीने का काम है? नहीं, वो भी हम रोज कितना समय देते हैं उसके लिए। रोज जैसे ही बच्चा स्कूल में जाने लगता है, रोज 8 घंटे वो स्कूल रहता है, राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, वो रोज 8 घंटे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, 12 साल रोज 8 घंटे पढ़ता है वो। ये मैं केवल स्कूल की बात कर रहा हूँ, ट्यूशन्स की, घर की, होमवर्क की बातें नहीं कर रहा मैं। तो रोज 8 घंटे, जब वो कॉलेज जाता है तब रोज 8 घंटे वो कॉलेज में ही रहता है। तो रोज 8 घंटे 23 साल तक करता है, तब उसे एक सर्टिफिकेट लेके भी घूमना पड़ता है, कोई तो मेरे को काम दो, कोई तो मेरे को काम दो, कोई तो मेरे को काम दो। ये परिस्थिति है। और हम सोचते हैं मैं घर में बैठ के आराम से शैंपेन दारू पीऊंगा, थोड़ा एक माला जप कर लूंगा, थोड़ा मस्त गोवा घूम के आऊंगा, अरे हो जाएगा, भगवान ऐसे ही पड़ जाएंगे। ऐसे होता है क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं होता। इट डजंट हैपन लाइक दैट। घिसना पड़ता है, और ये घिसाई करने के लिए ब्रह्मा जी अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू बिकॉज यू हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल नेवर फील शॉर्ट ऑफ माई मर्सी। श्लोक क्रमांक 35। ऋषिमाद्यम न बध्नाति पापी यास्त्वाम्रजो गुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजा संसृत्य जोपिते। यू आर द ओरिजिनल ऋषि एंड बिकॉज योर माइंड इज ऑलवेज फिक्स्ड ऑन मी, इवन दो यू विल बी एंगेज्ड इन जेनरेटिंग वेरियस प्रजनी, द विशियस मोड्स ऑफ पैशन विल नेवर एनक्रोच अपॉन यू। भगवान डायरेक्ट आशीर्वाद दे रहे हैं, आप हालांकि सारी पृथ्वी को आगे बढ़ाए, सारे संसार के काल चक्र को आप आगे बढ़ाएंगे, तो सृजन की प्रक्रिया जो है वो हमेशा रजोगुणी होती है। टू क्रिएट समथिंग नीड्स पैशन, बिना पैशन के सत्व गुण में व्यक्ति क्रिएशन नहीं कर सकता। क्रिएशन एंटेल्स पैशन, और भगवान कह रहे हैं ये पैशन क्या है? ये दिल मांगे मोर पैशन। तो आपने सेवा ऐसी ली है कि आपको रजोगुणी बनना ही पड़ेगा, लेकिन ये रजोगुण से आच्छादित होते हुए भी आप कभी भी मेरी चेतना से, यू विल नेवर बी bereft ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये मेरा आशीर्वाद है। सी दीज आर पर्सनल वर्ड्स फ्रॉम कृष्णा, व्हाट मोर अश्योरेंस। ये भगवान के स्वयं मुखारविंद से आए हुए शब्द है। जैसे शंकराचार्य जी गीता महात्म्य में भगवत गीता के बारे में कहते हैं, भगवत गीता के बारे में क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, कि गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्य शास्त्र निस्तरैः, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृताः। कि अगर कोई भगवद गीता पढ़ रहा है तो किसी और शास्त्र के वो पढ़ने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि भगवद गीता क्या है? भगवान के मुखारविंद से आए हुए शब्द हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो भगवत चेतना, व्हाट इज भागवतम और व्हाट इज भगवद गीता? भगवद गीता और भागवतम is basically words that are spoken about Krishna or words that are spoken by Krishna, that's it, there is nothing else। भगवान के बारे में बोले गए शब्द या भगवान ने स्वयं बोले गए शब्द, ये दो चीजें ही भागवत बनाती हैं। और यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि आपने मेरी सेवा के लिए इतना बड़ा उत्तरदायित्व लिया है, I give you
व्हाट डू आई गिव यू, आई गिव यू इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल दैट कैन गो रॉन्ग। जैसे एक दूत होता है, मैसेंजर होता है, तो पहले क्या होता, अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले जब राज्य होते थे तो एक दूत जो है शत्रु राजा का, वो शत्रु राजा का मैसेज आके दूसरे राजा को देता था, लेकिन उस दूत को भी, हालांकि वो शत्रु राजा का दूत है, उसे सम्मान दिया जाता था क्योंकि वो दूत है, ही इज अ मैसेंजर, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट किंग। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा, यू आर बिकमिंग माई मैसेंजर, यू आर बिकमिंग माई रिप्रेजेंटेटिव, सो यू विल नेवर एवर फॉल शॉर्ट ऑफ माई मर्सी। प्रकृति का रजोगुण आपको छू नहीं पाएगा। श्लोक क्रमांक 36। रौनक प्रभु इधर भी ध्यान दीजिए, इधर भी ध्यान में सब चल रहा है, इधर भी ध्यान में सब चल रहा है ठीक। ज्ञातोऽहं भवतात्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः। Although I am not easily knowable by the conditioned soul, you have known me today because you know that my personality is not constituted of anything material and specifically not of the five gross and three subtle elements. स्वभावतः या साधारणतः भौतिक प्रकृति के जीव मुझे कभी समझ नहीं पाते, लेकिन आप मुझे समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले ये जाना कि मैं भौतिक प्रकृति से परे हूँ, पंच महाभूतों से परे हूँ और तीन सूक्ष्म तत्वों से परे हूँ मैं, इनमें से कुछ भी मुझे नहीं छूता, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे मैं परे हूँ, मन बुद्धि अहंकार इनसे भी मैं परे हूँ, इनमें से देयर इज नथिंग ऑफ मी। जैसे हम रसगुल्ला बनाएंगे तो आप रसगुल्ला कितना भी अच्छा बनाइए उसमें गरम मसाला मिलेगा क्या? नहीं, उसमें ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। और आप अच्छे से चटनी बनाइए एकदम तीखी वाली आंध्रा स्टाइल, उसमें आपको शक्कर मिलेगी क्या? नहीं, नहीं, वो वहां है ही नहीं। तो आप रसगुल्ला कितना भी अच्छा बनाइए उसमें आपको गरम मसाला है, इट इज जस्ट नॉट देयर, वो किसी और ही चीज से बना है। और उसी प्रकार से आंध्रा की एकदम तीखी चटनी उसमें शक्कर नहीं मिलेगी, वो किसी और चीज से बनी है। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत, ये जो है और मैं जो हूं, ये भौतिक प्रकृति के सत्व रज तम इन तीनों गुण से परे हूं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे परे हूं, मन बुद्धि अहंकार इनसे परे हूं। तो भगवान जब कहते हैं कि मैं इन सबसे परे हूं और हम हमारे ही मन बुद्धि और अहंकार से उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्या यह मूर्खता नहीं है? अरे जब बनाने वाला ही कह रहा है कि साहब ये देखो रसगुल्ला इसमें गरम मसाला नहीं है, आप बोल दो नहीं 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 मैं इसको जाके लैब में टेस्ट करवाऊंगा कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा। अरे साहब मैंने डाला ही नहीं है तुमको कहां से मिलेगा? नहीं नहीं मैं टेस्ट करवाऊंगा, मैं समझने का प्रयास करूंगा इसके अंदर गरम मसाला है कि नहीं, करते रहो। उसी प्रकार भौतिक जगत में हम अगर भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, इट इज लाइक अरे बनाने वाला खुद बोल रहा है साहब इसमें नहीं है गरम मसाला, हम ढूंढ ढूंढ के यहां भगवान बता रहे हैं मैं भौतिक प्रकृति से परे हूं, फिर भी हमारा जो शरीर है और सूक्ष्म शरीर है जो भौतिक प्रकृति से बना हुआ है उससे हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, पर जब समझ नहीं पाते बोलते हैं हम है भगवान तो है ही नहीं। क्या मूर्खता की बात है, भगवान तो खुद ही बोल रहे हैं आई एम अबव दीज, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी बाय दीज थिंग्स। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज नीडेड, थ्री थिंग्स अब तक हम जो देख पा रहे हैं, तपस्या, समाधि अवस्था, मेरे बारे में चिंतन करना और वैदिक शास्त्रों का पालन करना, ये तीन चीज करेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। श्लोक क्रमांक 37।
तुभ्यम विचिकित्सित तुभ्यम अद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शतो बहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः. When you were contemplating whether there was a source to the stem of the lotus of your birth, and you even entered into that stem, you could not trace out anything. But at that time I manifested my form from within. तो कह रहे हैं भगवान कि जब आप मुझे खोजने का प्रयास कर रहे थे, बाहर जाके सब कुछ ढूंढ रहे थे, पिछले अध्याय में हमने देखा ब्रह्मा जी उनकी उत्पत्ति के बाद ढूंढ रहे हैं अंधकार में भगवान को. जब उन्हें अंधकार में कुछ नहीं दिखाई दिया तो वो डंठल के अंदर चले गए, उसके अंदर भी कुछ नहीं मिला. तो भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ तुम क्या क्या कर रहे थे. दिस इज वेरी सिंबॉलिक. हमें भगवान दिख नहीं रहे होंगे, हमें कुछ पता नहीं चल रहा होगा क्या हो रहा है, लेकिन भगवान हम सबको देख रहे हैं. यहाँ भगवान बोलते हैं जब आप मुझे खोजने का प्रयास कर रहे थे मैं देख रहा था आपको, लेकिन तब तक आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए थे, मैंने अपने आप को आपके सामने उजागर नहीं किया. अब आपने मेरे ऊपर ध्यान करके समाधि अवस्था में मुझे प्रसन्न किया, तब मैं आपके सामने उजागर हो रहा हूँ. सो वी माइट नॉट बी एबल टू सी गॉड, बट गॉड इज ऑलवेज सीइंग अस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. हम देखते हैं कनकदास जी का एक बहुत सुंदर किस्सा है. जब वो उनके गुरु महाराज के पास गए थे, कनकदास जी एक शूद्र परिवार से थे, तो वहाँ पे उनके गुरु महाराज जो थे व्यास तीर्थ, और उस समय हम देखते हैं आज से लगभग 400-500 साल पहले बहुत ज़्यादा जातिवाद की प्रथाएं बहुत प्रचलित थी. तो हालांकि व्यास तीर्थ कनकदास से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन व्यास तीर्थ जी के बाकी जो शिष्य हैं वो कनकदास से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या कराया करते थे कि ये तो शूद्र है, ये हमारे बीच में आके क्या कर रहा है. तो कनकदास जी ने सबका अहंकार भंग करने के लिए क्या किया, सबको एक दिन एक एक केला दिया और बोले तुम सब जाओ और कल आपको क्या करना है, परीक्षा है, ये केला आपको वहां जाके खाना है जहां आपको कोई ना देख सके. और सब चले गए. तो दूसरे दिन आ गए, सब ने केला खा लिया था. बोले कहाँ गया, ओ मैं अंधेरे में चला गया एक कोने में, वहां मैंने केला खा लिया, मेरे को कोई किसी ने मुझे नहीं देखा. कोई बोला अरे मैं तो वो बड़ा, हम पहले खेती करते थे, खेती के बाद धान उपजता है उसको स्टैक करके रखते हैं बड़ा सा, तो मुझे लगा मैं खाते हुए अगर कोई आ गया तो इसलिए वो धान के ढेर के अंदर चला गया, मुझे किसी ने नहीं देखा. कोई बोला अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आया, मैं तो पानी के अंदर चला गया, पानी के अंदर जाके मैं केला खा के आया, पक्का गुरुदेव मुझे किसी ने नहीं देखा. किसी ने बोला मैंने रात्रि के अंधकार में केला खाया, मुझे किसी ने नहीं देखा. केवल कनकदास जी आए, बोले गुरुदेव ये मेरा केला है, मैं कहीं भी गया मैंने देखा भगवान तो मुझे हर जगह देख रहे हैं, तो मुझे कोई परिस्थिति नहीं मिली जहां मुझे कोई ना देख सकता हो, मुझे भगवान हमेशा देख रहे हैं. तब व्यास तीर्थ ने ताली बजाई, बोले दिस इज कॉन्शियसनेस कि मुझे हमेशा भगवान देख रहे हैं. भगवान यही बताते हैं जब आप मुझे देख नहीं पा रहे थे मैं आपको देख पा रहा था, आई वॉज वॉचिंग यू. यही कार्य परमात्मा करते हैं. उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वर. तो भगवान क्या करते हैं, उपद्रष्टा ही इज द ओवरसियर, अनुमंता ही इज द सैंक्शनर, भरता ही इज द मेंटेनर, भोक्ता ही इज द एंजॉयर, एंड महेश्वर ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड. सो इट इज नेवर दैट एनीथिंग दैट इज हैपनिंग हियर इज और ही इज अलूफ फ्रॉम इट, कि भगवान ने ये देखा ही नहीं. लोग कहते हैं अरे कलयुग इतना बढ़ गया, भगवान कहाँ है, कहाँ है, भगवान है, हम उन्हें नहीं देख पा रहे, वो हमें देख पा रहे हैं. तो ऐसे सुंदर शिक्षाओं से ये भागवतम भरा हुआ है, इन्हीं शिक्षाओं को हम कल आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ बने रहिए.
बहुत बहुत धन्यवाद।